हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक ऐसे स्कैनर को डाउनलोड कर सकते हैं कि आप उसको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से स्कैन करके उसको पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आसानी से। तो ये केम स्कैनर से बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हम भी इसका यूज़ किए हैं, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसका दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, आपको कैसे पूरा जानकारी देंगे, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर पहली बार हैं अगर चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है एडोब स्कैन, आपको एडोब स्कैन लिख के सर्च कर देना है और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले को ही आपको ओपन करना है। तो सिंपली दोस्तों, हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ से फाइल्स में से जाके आपको यहाँ पे ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। तो एडोब स्कैन को ओपन करेंगे, ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे स्कैन आपको ये ले रहा है, तो आपको ये बीच वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये हम लाइट को ऑन करके रखे हैं, तो ये स्कैन हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कैन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। तो चलिए, हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सिंपली आपको यहाँ इस बॉक्स के आइकन पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए, हम इस पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपने ये इसमें आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अपने आप ही इसको रिसाइज कर रहा है और यहाँ पे स्कैन करके इसको बना रहा है एकदम। तो देख सकते हैं, इसको यहाँ पे बना दिया दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे कमाल का बनाया दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाए रहा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका फीचर का, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फीचर आपको इधर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप रिसाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं, A5, A3, A4 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको देख लीजिए, A5 भी आप कर सकते हैं इसको बना के इधर, और A4 भी आप कर सकते हैं इसको बना के, आप जैसा मन वैसा आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो A4 ही सही है यहाँ पे। अब मैं इसको बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो हम क्रॉप नहीं करना है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको देख लीजिए, और पेज मतलब इसमें और एक पेज आपको यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे और पेज नहीं करना है, हमको एक ही पेज रहने देना है। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेव पीडीएफ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे कुछ समय लेगा, लोडिंग होगा, सेव पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। अब आपको इसको कहीं भी आपको यूज़ कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट में इसको लगा देना है। तो कमाल का ये रहा वीडियो दोस्तों, केम स्कैनर से काफ़ी बहुत अच्छा है, इसका यूज़ हम कर रहे हैं और किए भी हैं। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी